हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। तो इसके लिए इस वीडियो में आज करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जिसे हमें पता चलेगा एसिड और बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनकी रिएक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, तो इसका क्वेश्चन है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक स्टैंड की। एक स्टैंड ले लेना है, उसके बाद उसमें एक टेस्ट ट्यूब फिट करना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लैब में भी करवाया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में हमने डालना है 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद उसके अंदर ऐड क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक है हमारे पास मेटल और H2SO4 है एसिड। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को एक रबर कॉर्क के साथ बंद कर देना है। फिर हमने लेना है एक कंटेनर जिसमें हमने डाला है सोप सॉल्यूशन। पानी में सोप को मिक्स करके सोप का सॉल्यूशन बना लिया। फिर हमने ये लगाया डिलीवरी ट्यूब, जिसका एक सिरा टेस्ट ट्यूब के अंदर है और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो सोप सॉल्यूशन के अंदर है। अब H2SO4 और जिंक को जब हमने मिक्स किया, जो मिक्स किया उसकी रिएक्शन हम साथ साथ इस तरह से लिखते जाएंगे। जैसे H2SO4 एसिड लिया, उसमें ऐड किया जिंक, उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बना वो है जिंक सल्फेट SZnSO4। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसके साथ ही एक और चीज़ बन रही है, हाइड्रोजन गैस। मेटल के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन गैस भी बनी और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भी। जो हाइड्रोजन गैस है इस डिलीवरी ट्यूब के साथ हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर ले आना है ट्रांसफ़र करवा के। और जब इस डिलीवरी ट्यूब से हमने हाइड्रोजन गैस को पास करवाया, ट्रांसफ़र करवाया फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू सोप सॉल्यूशन वाले कंटेनर में, तो सोप सॉल्यूशन के बबल्स बन गए और उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस भी फिल हो गई। इसका टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक कैंडल लेना है, उस कैंडल को बर्न करना है और उसे बबल्स के नज़दीक लेकर जाना है। तो ये बबल्स के नज़दीक जब कैंडल लेकर जाएंगे तो वो बबल्स बस्ट कर जाएंगे, तो उसमें से पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देगा। अगर पॉप साउंड सुनाई दे रहा है बबल्स का तो उसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता लगाया कि जब हमने H2SO4 एसिड को मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट बना और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। तो इस तरह से एसिड और मेटल्स का रिएक्शन हुआ। तो मैंने जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस ज़रूर बनती है। सो सिमिलरली व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल्स, सेम टू सेम जैसा मैंने पहले आपको करवाया वैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट करना है। बस फ़र्क इतना होगा कि रिएक्टेंट्स चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे हमने एसिड लिया था वहाँ पे हमें अब बेस लेना है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने सबसे पहले जैसे स्टैंड लिया था वैसे स्टैंड ले लेना है, उसमें टेस्ट ट्यूब फिट करना है। टेस्ट ट्यूब में डालना है NaOH। NaOH इज बेस। पिछले वीडियो में हमने लिया था एसिड, अब बेस ले रहे हैं NaOH। बेस के साथ जिंक मेटल डाला, दोनों को मिक्स किया, ऊपर से रबर कॉर्क लगा दिया, सेम जैसा हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था। रिएक्शन साथ साथ लिखेंगे। स्टेप वन में क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स NaOH लिया प्लस साथ में मेटल ऐड किया जिंक, और प्रोडक्ट क्या बना, Na2 जिंक O2, जिसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट।
और साथ में हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हुई। जैसे एसिड के रिएक्शन में सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बन रहा था, वैसे ही इस रिएक्शन में भी सेम टू सेम है। अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होगा कि हाइड्रोजन गैस इसमें बन रही है, स्टेप टू देखिए। वैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन ले लेना है। सोप सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन गैस को डिलीवरी ट्यूब से ट्रांसफ़र करवाएंगे तो इसमें बबल्स बनेंगे। सोप सॉल्यूशन के बबल्स में हाइड्रोजन गैस फिल होगी उसके साथ। और उसके बाद क्या किया था, एक कैंडल लेना है, कैंडल को बबल्स के पास लेकर जाना है और बबल्स फिर बस्ट हो जाएंगे और उसमें से पॉप साउंड सुनाई देगा। पॉपिंग साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया हमने, बस इसमें रिएक्टेंट चेंज था। जहाँ पे हमने एसिड लिया था वहाँ पे बेस ले लेना है। ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो होगा बेस प्लस मेटल, और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट दे रहे हैं, जो हमने प्रोडक्ट बनाया Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। साथ में हाइड्रोजन गैस की भी प्रोडक्शन हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू बेस कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि बेस कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। हर एक मेटल के साथ ऐसे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। कुछ ही ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो सकती है, सेम एसिड की तरह। तो ये था एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ओह नो, सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं। ओप्स, मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको जल्दी से पता चल जाए।